सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लगभग यही प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हैं। हिंदी की शुरुआत आपकी यहीं से होती है। आज हम बात करेंगे काव्य के अंतर्गत की कुछ चीजें हैं, ये जो काव्य के अंतर्गत पूछ जाते हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। इस काल के साहित्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। देखिए, अगर भक्ति का नाम आ गया तो भक्ति भावना तो होगी ही, ये आपकी भक्ति भावना की प्रधानता, ये तो पहली विशेषता हो गई। और जहाँ भक्ति की बात होती है वहां पर गुरु की महिमा अवश्य होती है। तो जहां भी भक्ति की बात होगी वहां भक्ति भावना होगी और गुरु की महिमा होगी, तो ये दोनों प्रधानता आप कभी नहीं भूल सकते। ये दोनों विशेषताएं भी है इसकी। इसके अलावा दो और भी चीजें, एक रहस्य की भावना, जहां पर भी भक्ति होगी वहां पर एक रहस्यमय भावना जरूर होगी। हम आप में से किसी ने भी किसी भी ईश्वर को नहीं देखा, फिर भी हम उनकी रहस्यमयी कथाओं को सुनकर, उनकी रहस्यमयी घटनाओं को सुनकर, उनके अनेकों स्वरूप को हम लोग मानते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ भक्ति की बात होती है वहां पर रहस्य की भावना भी जागृत हो जाती है। एक यहाँ पर और है सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की भावना, ये चार विशेषताएं हैं। वैसे दो विशेषताएं इसमें पूछी जाती है। इसका जो काल होगा, समय होगा, वह 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। दूसरा है प्रश्न आपका भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं का नामोल्लेख करते हुए उसके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम बताओ। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं, तो भक्ति काल में दो धाराएं बही जिसमें से एक को हम लोग निर्गुण काव्यधारा कहते हैं और दूसरा सगुण। निर्गुण में उन लोगों की बात कही गई है जिनका किसी भी ईश्वर के प्रति या फिर किसी भी सकारात्मक ईश्वर को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने एक ही छवि मानी कि ईश्वर एक है, वही सब कुछ है। उन्होंने पर्टिकुलर किसी भी एक मूर्ति को या फिर किसी भी तरीके के किसी भगवान को उन्होंने नामकरण के रूप में नहीं माना। उन्होंने कहा ईश्वर एक है, वही सबकी देख रेख करता है। उसमें सबसे पहले है आपके कबीरदास जी। कबीरदास जी की दोहे वाणी सब कुछ आपने सुनी होगी, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी नामकरण दिया हुआ ईश्वर का नाम नहीं सुना होगा कि उन्होंने राम भक्ति की चर्चा की, कि उन्होंने कृष्ण भक्ति की चर्चा की, ऐसा कहीं कुछ नहीं। इसी प्रकार से दूसरे कवि इसके मलिक मोहम्मद जैसी। लेकिन सगुण काव्य धारा में किसी ना किसी को आधार बनाकर हम लोग पूजन करते हैं और उसी के हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे रामाश्रय काव्य में कवि तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचंद्र जी की बात की है और कृष्णाश्रय काव्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रतिनिधि बनाकर उनके बारे में वर्णन किया। तीसरा प्रश्न है आपका रीति काल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि और उनकी एक रचना का नाम उल्लेख करो। रीति काल का अगर नाम आ जाता है तो आपको बिहारी जी का नाम याद रखना है। जो कवि बिहारी थे वो रीति काल के थे और इन्हीं के नाम के आधार पर इनकी रचना की गई थी बिहारी सत्सई। इनका नाम रहेगा याद तो आपको रचना ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ये रीतिकाल की कवि थे बिहारी जी और इनकी जो रचना थी वो बिहारी सत्सई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रीतिकाल के अंतर्गत ही रीतिकाल काव्य के किन्हीं दो कवियों का नाम और उनकी एक एक रचना बताइए। रीतिकाल के देखिए एक कवि का नाम तो आपको पता ही है, एक काव्य धारा के अंतर्गत है। इसमें से पूछ रहा है रीतिकाल के ऐसे दो कवि का नाम लिखो जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे।
इसमें पहला नाम आता है कवि भूषण का। कवि भूषण का नाम है, कवि भूषण ने शिवा बावनी नाम की रचना की है, और दूसरे कवि आपके गोरेलाल जी हैं जिन्होंने छत्र प्रकाश नाम की रचना की है। अगला प्रश्न है आपका, रस खान कवि का मूल नाम क्या था? आपने रस खान के दोहे पढ़े होंगे, और इन्होंने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो जो रस खान थे इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम, और इन्होंने सारी जो रचनाएं हैं अपनी ब्रज भाषाएं में की हैं, और इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की है। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की उसमें श्री कृष्ण की चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, रीति काल के दो आचार्य कवियों के नाम और उनकी दो दो रचनाएं बताओ। आचार्य का नाम जुड़ जाए तो आचार्य केशवदास जी का नाम तो सबसे पहले आता है, ये भी रीति काल की है, रीति काल की है आचार्य केशवदास। केशव भगवान रामचंद्र जी को भी आचार्य केशवदास, केशवदास जी का जो मुख्य रचना है वो आपके रामचंद्र का है। देखिए केशव भी एक ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम है, और रामचंद्र का केशव वैसे भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, इन्होंने रामचंद्र की रचना की, और दूसरी रचना थी रसिक प्रिया। दूसरे कवि इसके आचार्य देव, इन्होंने देव के नाम से समझ ली कि आचार्य देव ने देव शतक की रचना की, अगर देव नाम आ गया तो देव शतक हो गया। दूसरा है भाव विलास। इसमें तीन चार कवियों के हम पूरे नाम आपके सामने ले आते हैं, रीति काल के प्रमुख कवि। अगर आपने सिर्फ यही पार्ट देख लिया तो आपको सारी चीज याद हो जाएंगी। सबसे पहला है आचार्य केशवदास, केशव से रामचंद्र का बड़े आराम से याद हो सकता है आपका, केशव से कवि प्रिया, कांसे केशव कांसे कवि प्रिया ये भी आसानी से याद हो सकता है, भूषण से शिवराज भूषण, भूषण से शिवराज भूषण, शिवा बावनी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण ये दोनों लगभग मिलते जुलते नाम है, तो ये आपको आसानी से भूषण जी से याद हो सकते हैं, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। अगला है मतीराम, मतीराम कवि जो हुए उन्होंने दशराज और मतीराम सतसई, देखिए बिहारी ने बिहारी सतसई और मतीराम ने मतीरी मतीराम सतसई नाम की रचना की। पद्माकर, पद्माकर में थोड़ा सा बदल दिया गया तो हो गया पद्माभरण। पद्माभरण राम रसायन गंगा लहरी और जगत विनोद ये चार रचनाएं पद्माकर जी ने की हैं। रीतिकाल की विशेषताएं, देखिए रीतिकाल में जो भी चर्चाएं होती हैं वो श्री कृष्ण के पक्ष में होती हैं। रीतिकाल में लगभग श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई गई है, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। जब भी श्रृंगार रस की प्रधानता होगी तो आपको ब्रज भाषा का ध्यान कर लेना है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस है तो ब्रज भाषा का ही बात होगी, और वहां पर ब्रज भाषा में तरह तरह की कला मतलब श्री कृष्ण के भी कई रूप देखने को मिले, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कला पक्ष की प्रधानता और ग्रंथों की प्रधानता, रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, ये तीन तो आपको याद ही रहेंगे। अगर रीतिकाल कभी भी आ जाता है तो श्रृंगार पक्ष रस की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष और रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, ये चार विशेषताएं हैं आपकी। बिहारी सत्सई की एकमात्र रचना का नाम क्या है और उसमें कितने दोहे हैं? बिहारी की एक ही रचना है उसका नाम है बिहारी सत्सई, और उसमें 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास, केशवदास जी ने जो रचना की थी वो रामचंद्र की थी, रामचंद्र का ये आपके रीति काल से संबंधित है, रामचंद्र का से मतलब राम से नहीं है, ये आपके रीति काल के कवि हैं। अगला जाता है आधुनिक काल की विशेषताएं, आधुनिक काल का मतलब जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है इसमें सबसे पहले चीज तो आ जाती है देश प्रेम की भावना, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में हमें अपने देश की
भावना जागृत हो जाती है, देश प्रेम की भावना सबसे बड़ी बात है। अगला इसी में आ जाता है जीवन की यथार्थ का चित्रण। यहाँ पर इंसान जीवन की यथार्थ का चित्रण पहले करता है, मतलब जीवनी वगैरह का। ये दूसरी हो गई खड़ी बोली में काव्य रचना, बौद्धिकता की प्रधानता, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका द्विवेदी युग की कविता की दो प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग में आपको देश प्रेम की भावना देखने को मिलेगी और इति वृत्तात्मकता मिलेगी इसमें, ये आपके द्विवेदी युग की है। फिर से आ गए द्विवेदी युग की दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचना। द्विवेदी युग के जो कवि थे अयोध्या सिंह हरिओत, इन्होंने दो तीन रचनाएं जो इसमें दर्शाई गई हैं, एक प्रिप्रवास है, वैदेही वनवास और रसकलश, ये इसकी रचनाएं हैं। अगला है मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत, यशोधरा, भारत भारती इत्यादि रचनाओं की हैं। सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 का छात्र हो, 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो, ये किसी क्लास की, इन चार में से किसी क्लास के भी छात्र हो, ये प्रश्न उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी इसको देख रहा है वो ध्यान दे के इन सारी रचनाओं को पढ़े, इसके बाद में इसको नोट डाउन करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की भी कोशिश करें। अगला है छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। छायावादी युग की बात जहाँ आती है, छायावादी का मतलब छाया, छाया का मतलब वनों से, यहाँ कहीं ना कहीं बात आती है जो भी रचनाएं होंगी उनमें से वनों के या फिर प्रकृति के चित्रण होता है। देखिए पहला जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने दो चीजें लिखी हैं आंसू और कामायनी। दूसरा है महादेवी वर्मा, इन्होंने यामा और दीपशिखा नामक रचना की है। तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने पल्लव और लोकायतन महाकाव्य लिखा है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी जी की एक एक कृति का उल्लेख कीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो लिखा है वो था हिम तरंगड़ी और पुष्प की अभिलाषा। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा स्वदेश प्रेम और कौमुद्री मिलन, ये दो रचनाएं की गई जिसे काव्य के अंतर्गत रखा गया है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी जो रचना थी उस साकेत के नाम से जिसे महाकाव्य का दर्जा मिला है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, वह किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम या रचना शायद बताओ। तो प्रयोगवादी कवि में धर्मवीर भारती का नाम अग्रसर है, उसमें सबसे पहले आता है। इन्होंने जो रचना की है वो थी कनुप्रिया नाम से। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, इन्हें अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इस रचना को पूरा किया था आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के छायावादी युग का परिचय, मतलब छायावादी युग में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं या फिर क्या क्या चीजें होती हैं। तो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता एवं पूरी उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया में, इसमें देखिए मेन मेन चीजें क्या है, प्रेम, मतलब छायावादी युग में क्या मिलेगा आपको, प्रेम मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, कल्पना मिलेगी और प्रकृति के चित्रण। अगर ये चारों चीजें मिलती हैं तो आपका ये मान के चलिए वहां पर छायावादी युग हुआ और वहां पर ही छायावादी युग का जन्म होता है। अगला उन चार कवियों के नाम लिखो, उन चार कवियों के नाम और उनकी रचना बताओ जो छायावाद के स्तंभ कहलाते हैं, मतलब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी और आंसू लिखे थे, सुमित्रानंद पंत जी ने पल्लव और युगवाड़ी नामक रचनाएं की, महादेवी वर्मा ने यामा और दीपशिखा नामक रचनाएं की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली और सरोज स्मृति, ये दो रचनाएं की। अगला प्रश्न इसी में छायावादी युग की एकमात्र कवित्री, तो एक ही कवित्री थी इसमें, महादेवी वर्मा जी थी,
जिनकी रचना थी यामा और दीपशिखा। हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन की जो एक काव्य कृति थी वो थी मधुशाला। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह हरिऔध किस युग के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम बताओ। अयोध्या सिंह हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इनकी जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, पलाश वन के रचनाकार का नाम लिखिए। पलाश वन के रचनाकार का नाम पंडित नरेंद्र शर्मा था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक रचना का नाम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचनाएं थी उसमें अंजलि, उत्तरायण, चित्ररेखा इत्यादि रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं। छायावादी वैसे आप एक बार देख चुके हैं, जब भी छायावादी का मतलब आएगा वहां पर प्रेम, प्रकृति, रहस्यवादी भावना, इस तरह की चीजें आपकी मिलती हैं, वहीं पर छायावादी योग होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए। प्रगतिवादी में आपके शिव मंगल सिंह सुमन, जिनकी जो रचना थी वो मिट्टी की बारात, और प्रलय सृजन, इनकी रचनाएं थी। और दूसरे नंबर पे आता है श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रस बसंती, ये रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की चार प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को उल्लेख करो। मतलब प्रगतिवादी में क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसमें मिलती है साम्यवादी विचारधारा, मानवतावादी दृष्टिकोण, शोषकों के प्रति विद्रोह, मतलब जो शोषण करते हैं उनके प्रति विद्रोह, छंदों के बंधन की उपेक्षा, और सामाजिक असमानता का चित्रण। ये सारी चीजें आपकी प्रगतिवादी युग में मिलती हैं। अगला है, नई कविता के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखो। नई कविता के चार जो प्रमुख कवि थे उसमें पहला नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का, दूसरा नाम है गिरजा कुमार माथुर का, तीसरा नाम है प्रभाकर माचवे का, चौथा नाम है भवानी प्रसाद मिश्र का, और पांचवा नाम है आपका धर्मवीर भारती का। इन पांच में से किसी भी चार नाम को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग में क्या क्या चीजें मिली हैं आपको देखने को, इसमें मिली है आपको नवीन बिंब, बिंब को हम लोग प्रतिबिंब भी मानते हैं, एवं नवीन प्रतीकों प्रतीकों की प्रधानता मिली है, कुंठा और निराशा का स्वर मिला है, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण मिला है, सामाजिक असमानता और संगतियों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग और कटुक्तियां मिली हैं, मुक्तक शैली का प्रयोग, इसमें से किसी भी एक दो पॉइंट को आप लिख सकते हैं, जैसे मुक्तक शैली का प्रयोग और कुंठा और निराशा का स्वर, ये दो पर्याप्त है इसके लिए। अगला जो महत्वपूर्ण है आपका, अष्टछाप का संगठन किसने किया। अष्टछाप का संगठन किसने किया और अष्टछाप के कवियों का नाम भी बताओ। तो स्वामी बल्लभाचार के पुत्र जो थे उनका नाम था गोस्वामी विठल दास। वह अष्टछाप के कवि में कौन कौन थे, पहला नाम था सूरदास जी का, दूसरा नंददास का, तीसरा कृष्णदास का, चौथा परमानंद दास का, जो वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी, ये आपके अष्टछाप के कवियों के नाम थे। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण, वीर गाथा काल में आलाखंड, आला का जब भी नाम आता है परमाल रासो का नाम आप लिख सकते हैं, उन्होंने जगनिक नाम से जो खंड लिखा है वो आपका वीर गाथा काल में आलाखंड ग्रंथ कहलाता है। अगला, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम बताओ। द्विवेदी युग के अंतर्गत में आपके अयोध्या सिंह हरिऔध जी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी, ये आपके पांच कवि हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम, छायावादी के अंतर्गत कौन कौन से हैं देखिए, बहुत से हैं, अब आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप मैं इसको दिखाता जा रहा हूँ, वीडियो को रोक रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
रामचंद्र का मैं रचनाओं का नाम बोलता हूँ, सामने देखिए रचयिता के नाम, आप देखते जाएगा रामचंद्र का रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि ने लिखी है, ललित ललाम मतिलाम जी ने लिखी है, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी ने लिखी है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरियाल जी ने लिखी है, साकेत लिखी है आपकी मैथिली शरण गुप्त में, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने, जय द्रथ वध मैथिली शरण गुप्त ने, झरना जयशंकर प्रसाद जी ने, करुणालय जयशंकर प्रसाद जी ने, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, तुलसीदास को भी लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यहाँ पर तुलसी एक रचना का नाम है तुलसीदास। उत्तरायण डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर जी ने, आंगन के पार चलो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने, मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, कानुप्रिया धर्मवीर भारती ने, अंधा युग धर्मवीर भारती ने, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती ने, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी ने, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, करड़ फूल नरेंद्र शर्मा जी ने, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने, पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा, और परमाल रासो आपका जो आला खंड है जगनिक के नाम जगनिक ने लिखा है। ये थी कुछ हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 8 से 10 नंबर के आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाने हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार करिए, कोशिश ये करिए कि सारे प्रश्नों को नोट करके फिर याद करें। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो इसको सभी लोगों को शेयर जरूर करें।